चलिए गाइस, सो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज वन ऑफ द पैसेज ऑफ योर लीगल. लेट मी ओपन द सेम. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? द व्हाइट बोर्ड इज द पैसेज इज विजिबल. इफ नॉट देन प्लीज लुक टू लेट मी नो. The passage is visible, Namit ma'am. Okay, fine. चलिए देखिए, आज के अगर पैसेज की बात करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में अजय सर ने आपको थोड़ा सा बताया था, अब आगे से जो भी आपके पास पैसेजेस फॉरवर्ड होंगे या ऑलरेडी आपके पास हैं, ट्राई करिए सिर्फ उसे लीगल एस्पेक्ट में या लॉजिकल एस्पेक्ट में मत समझिए, उसके इंग्लिश एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आप उनके वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकें, जैसे कौन से एडजेक्टिव हैं, कौन से कंजंक्शंस हैं, कौन से एडवर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है. वो आपकी एक इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इजीली रहेगा. बिकॉज इन द लास्ट क्लास जैसे सर ने आपको बताया था कि आपका कंप्लीट पेपर एक इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड रहेगा, और कंप्लीटली आपकी ही ये स्किल्स रहेंगी. जितनी जल्दी आप उन वर्ड्स को ट्रैक कर पाएंगे, वो पैसेज सॉल्व करना उतना ही ईजी आप लोगों के लिए हो जाएगा. राइट गाइस, चलिए नाउ द नेक्स्ट पैसेज फॉर टुडे, दैट इज योर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10. चलिए नाउ दिस पैसेज इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट, लेट अस सी कि किस तरीके के इस पैसेज में हमें हेल्प बताई जा रही है. द पैसेज सेज द रीसेंट केस ऑफ रेप एंड सेक्सुअल हैरासमेंट. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां मैं आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा इन फ्रॉम दीज टू वर्ड्स, रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट. इन द लास्ट क्लास जैसे हमने समझा था, वो टॉपिक एक वुमेन सिक्योरिटी को लेते हुए हमने इस टॉपिक को डील किया था. बट जरूरी नहीं है कि कोई भी टॉपिक अगर वो एक पर्टिकुलर जेंडर से रिलेटेड है तो उसका कंक्लूजन पॉइंट उसी पे होगा. जनरली हमसे कई बार गलती क्या हो जाती है, व्हाइल वी आंसरिंग द सेम वी थिंक दैट दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू दी वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है. नो, नॉट एट ऑल. सो इट्स लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दे आर गिविंग. नॉट इन द इमीडिएट सेंस यू विल थिंक कि ये एक पर्टिकुलर पैसेज एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेगा. विल से इट अकॉर्डिंगली. द पैसेज सेज द रीसेंट केसेस ऑफ रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट हैव शॉक्ड द कंसाइंस हैव शॉक्ड द कंसाइंट ऑफ द कंट्री. फाइन. एंड द क्राई टू द सेटअप मोर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. देखिए, दिस इज द अनदर आस्पेक्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. इट इज क्वाइट पॉसिबल दिस पर्टिकुलर फ्रेज, दैट इज फास्ट ट्रैक कोर्स की अगर हम यह बात कर रहे हैं, दैट इज पॉसिबल हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलरली द प्रोसेस ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, हाउ दे वर्क, किस तरीके के उनके प्रोसेस को एडॉप्ट करना चाहिए, और जो हम सिस्टम को एडॉप्ट कर रहे हैं वो सिस्टम हमारा कितना पुराना सिस्टम है, क्या उस सिस्टम में किसी तरीके की चेंज करने की जरूरत है या नहीं है. एंड इफ यू थिंक नो देर इज अ नीड टू चेंज द सेम, then what kind of procedure you have to adopt accordingly. Clear? Let us see. And to cry to the to set up the more fast track courts that can swiftly deal with these cases as has been growing. Right? In July 2019, the center, first of all, remember, whenever you see the word center, it doesn't mean that we are talking about the central government. No. यहाँ पे हम किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, रादर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट. दिस टर्म दिस सेंटर डज नॉट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, रादर इट मीन्स पार्लियामेंट. हम पार्लियामेंट की यहाँ बात कर रहे हैं. राइट? पार्लियामेंट एज आई सेड इन द समर कैंप मैंने आपको एक हायरार्की में इस कॉन्सेप्ट को समझाया था. पार्लियामेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स. सबसे पहले आप लोकसभा देखते हैं, राइट? देन राज्यसभा. राज्य सभा, प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, आपके प्रिपरेशन में हेल्प रहेंगे कहाँ पे क्या समझना है. राइट? क्योंकि ये चीजें प्लीज स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए, इट्स अ रिक्वेस्ट. डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. सुमन प्लीज, इट्स यू.
एंड द थर्ड थिंग इज दैट एंड द लास्ट पर्सन इज द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो वेन एवर वी मेक अ लॉ, दैट लॉ हैज टू बी पास दिस प्रोसेस ऑफ थ्री पर्सन, राइट? सो इन जुलाई 2019 द सेंटर, दैट इज द पार्लियामेंट, हैज प्रपोज टू प्लान सेटअप 1.023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स दैट वुड स्पेसिफिकली डील विद द पेंडिंग केसेस ऑफ रेप एंड द केसेस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, दैट इज पॉक्सो, राइट? इन शॉर्ट, आप कई जगह देखेंगे एग्जाम्स के अंदर भी ये कंप्लीट फुल फॉर्म आपको नहीं मिलेगी, रादर यू विल सी दिस पर्टिकुलर टर्म ओनली, दैट इज पॉक्सो. इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. कई बार पूछी गई है कि पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट. रिमेंबर, आगे बढ़ते हैं. एज ऑफ मार्च 31, 2018, देयर वर 1,66,882 केसेस ऑफ रेप एंड पॉक्सो. देखिए, एज आई सेड कि इनिशियली हम कई बार सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज करते हैं और आगे के पैराग्राफ में वो ही यूज करा हुआ है, पॉक्सो एक्ट पेंडिंग इन द ट्रायल कोर्ट अकॉर्डिंग टू द कंट्री. नाउ यहां पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ट्रायल कोर्ट कौन सी होती है? ट्रायल कोर्ट आप उन सभी कोर्ट्स को कहते हैं जहां पे केस ट्राई किया जाता है. एज आई सेड, आई थिंक इन द लास्ट क्लास मैंने आपको बताया होगा दैट वी हैव थ्री स्टेजेस. किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर तीन स्टेजेस होती हैं. एक होती है आपकी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, एफआईआर होती है, पुलिस उस पर इंक्वायरी करती है एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है देन द अदर स्टेज इज इंक्वायरी स्टेज. फिर हमारी क्या आती है, इंक्वायरी स्टेज. इंक्वायरी स्टेज बेसिकली वो होती है जिसमें कोर्ट ये सोचता है कि क्या हमें उस केस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. दैट मीन्स जितने भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस पुलिस ऑफिसर ने या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ एविडेंस कलेक्ट किए होंगे, राइट? तो क्या वो एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो कोर्ट को कन्विंस कर सकें कि हमें केस को आगे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसे बोला जाता है इंक्वायरी स्टेज, राइट? सिर्फ अल्टीमेटली जब कोर्ट ये अपना मन बना लेता है कि हाँ हमें केस को ट्राई करना चाहिए, केस को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, देन ओनली द स्टेज विल स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रायल स्टेज. और ये ट्रायल स्टेज ही होती है जो कि ट्राइड बाय द लोअर कोर्ट. जब भी कभी, फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आपके क्लास में आपके किसी फ्रेंड से थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, तो सीधा प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं या सबसे पहले मॉनिटर, या फिर आप टीचर्स को बताते हैं, देन यू गो फॉर द वाइस प्रिंसिपल, देन अकॉर्डिंगली आप हेड ऑफ द स्कूल के पास मूव करते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस. तो जितने भी ट्रायल कोर्ट होते हैं उनको हम लोअर कोर्ट कहते हैं, लोअर कोर्ट. और जैसे कि आप सब जानते होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम की बात करते हैं. अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जहां पे भी आप प्रेजेंटली अभी हैं, दे आर बेसिकली द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपके सारे कोर्ट, जितने भी कोर्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं लोअर कोर्ट्स. क्लियर है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं गाइस, प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, राइट? बिकॉज ये आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीगल लैंग्वेज के आस्पेक्ट में पूछे जाएं, हो सकता है ये आपसे कहीं करंट अफेयर्स के आस्पेक्ट में भी पूछ लिए जाएं. सो मेक श्योर इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा. शुड आई मूव फॉरवर्ड? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं. नाउ फर्दर, एज ऑफ मास 31, 2018, देयर आर 1,66,882 केसेस ऑफ रेप एंड पॉक्सोस एंड पेंडिंग इन द ट्रायल कोर्ट अक्रॉस द कंट्री. नाउ दिस स्टेटमेंट, अब आप देखिए, अगर मैं इनिशियली जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोई भी स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट होगी, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहती है. हो सकता है कि इनिशिएट उसने कहीं से करा हो, लेकिन उसका एंड और जो उसका समरियल पार्ट होता है वो कहीं और ले जाए. बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस फर्स्ट पैराग्राफ, यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं दिस टॉपिक इज अल्टीमेटली टॉकिंग अबाउट द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, बिकॉज दे वॉन्ट्स टू गेट सॉल्व दीज नंबर ऑफ केसेस. क्या कह रहा है, 1,66,882 केसेस पेंडिंग है,
और आपको उन केसेस को क्या करना है, सॉल्व करना है. सो दैट मींस यू नीड टू इवॉल्व, एक ऐसा आपको सिस्टम अपडेट करना होगा, एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना होगा जिसके थ्रू आप उन केसेस को जल्द से जल्द, कम से कम समय में सॉर्ट आउट कर सके, या फिर आप कह सकते हैं उन्हें क्लियर कर सके. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. व्हाट डज इट से? द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज्ड. अब देखिए एक पॉइंट मैं आपको यहां दोबारा क्लियर करूंगा. जैसे मैंने आपको बताया सेंटर का मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट, राइट. सिमिलरली जब भी गवर्नमेंट की बात होगी तो यहां पे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, जैसे कि हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, होम मिनिस्टर की बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको कहा जाता है. लेकिन अगर आप बात करेंगे सेंटर की, उस पर्टिकुलर टर्म की बात करेंगे, वहां हम बात करेंगे पार्लियामेंट की. क्लियर? तो हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट. अब गवर्नमेंट में देखिए जनरली कई बार क्या होता है, आपने उन्हें मे बी कहीं ना कहीं न्यूज में या कभी न्यूज़पेपर्स वगैरह में किसी के थ्रू आपने सुना होगा कि सरकार ने एक फैसला लिया. तो जब ये सरकार की बात करी जाती है, इस गवर्नमेंट की बात करी जाती है, दे आर टॉकिंग अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आप कह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री, इसे दोनों फॉर्म से जाना जाता है, और कैबिनेट मिनिस्ट्री. इज इट क्लियर? कैबिनेट मिनिस्ट्री के नाम से इन्हें जाना जाता है. फर्दर, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ डिटेल्ड प्लान लेइंग आउट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर द FTSC, दैट इज, देखिए ऊपर शॉर्ट में लिखा हुआ है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम्स फॉर द स्टेट एंड द यूटीज. रिमेंबर टोटल कितने स्टेट्स हैं आपके प्रेजेंटली, इट्स 28. एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरी, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी वी हैव, दैट इज 8. इट इज नॉट 7 और 9, इट इज 8. इनिशियली दो जो आपकी यूनियन टेरिटरीज थी, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, उन्हें क्या कर दिया गया, क्लब कर दिया गया है. मेक श्योर ये प्री का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट्स हैं और किस यूनियन टेरिटरी को क्लब करके एक बनाया गया है, दैट इज दी दादर एंड नागर हवेली एंड अनदर वन इज योर दमन एंड दीव. क्लियर? आगे बढ़ो. फर्दर व्हाट डज इट से? लेइंग आउट द इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर द फास्ट ट्रैक कोर्स स्कीम, स्टेट्स एंड यूटीज वर गिवन अ कट ऑफ डेट ऑफ December 31, 2019. सो बेसिकली दे वर सेइंग, देखिए हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक अथॉरिटी दी गई है, सेंटर को हमने हाईएस्ट अथॉरिटी माना है, और सेंटर के बाद हमने क्या किया, जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, उनको हमने पावर को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करा. तो अगर कोई भी इश्यू आता है तो सेंटर उसे रिजॉल्व करेगा, और अगर सेंटर से भी रिजॉल्व नहीं होता है देन आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है. लेकिन अगर आप इस डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करें, दैट स्टेट एंड यूटीज वर गिवन अ कट ऑफ डेट, किसने दी, इट इज द सेंटर, इट इज द पार्लियामेंट, राज्यसभा, कि भाई आप 31 दिसंबर तक अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने एलोकेशंस को, अपने अपने केसेस को, पेंडिंग ऑफ केसेस को, कौन ट्रायल कर रहा है, हु आर द क्वालिफाइड जजेस एंड ऑल दिस थिंग्स, कुछ इस तरीके की उन्हें रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक कट ऑफ डेट, जैसे आपकी एग्जाम डेट 1 दिसंबर है, तो उसको क्या कहा गया, इस डेट तक आप अपनी सारी प्रिपरेशन करिए, देन विल सीट अकॉर्डिंगली. इज इट क्लियर? विद इन विच दे नीडेड टू कम्युनिकेट देयर कॉन्करेंस फॉर दी कमिंग ऑन बोर्ड, दैट मीन्स कि आप किस तरीके के प्रिपरेशन को, किस तरीके के सिस्टम को, आपके यहाँ पे किस तरीके के केसेस को ज्यादा इवॉल्व है, इतना समय क्यों लग रहा है, क्या रीजंस हैं, क्या ऑन टाइमली डेट्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो द कॉन्फ्रेंस फॉर ऑन कमिंग ऑन बोर्ड, यहां तक का पॉइंट क्लियर है? फर्दर, पोस्ट द लंच फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स वुड बी इनिशियली सेटअप फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर सब्जेक्टेड टू दी फर्दर अप्रूवल. देखिए व्हाट डज इट से, व्हेन इनिशियली दिस थिंग वाज मेड, जब
इस सिस्टम को हमने इवॉल्व किया ड्यूरिंग दैट टाइम, व्हाट डज इट सेज कि हम इस टाइम पीरियड को 1 साल के लिए, अब मान लीजिए एक पॉक्सो से रिलेटेड कोई केस है, हमने उसे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर सॉर्ट आउट करना है, दैट मीन्स उस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उस केस को हमें जल्द से जल्द फिनिश करना है। एंड देन जो भी हम कोर्ट को ड्रॉ करेंगे, कोर्ट को ड्रॉ करने का मतलब यहाँ पे कोर्ट को बनाया जाएगा। जनरली क्या होता है, आप देखेंगे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, या आप हर एक ब्लॉक लेवल पे कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी इंपॉर्टेंट केस को देखते हुए, उसकी जरूरत को देखते हुए क्रिएट करी जाती है, ड्रॉ करी जाती है कि अगर जरूरत है तो उसे क्रिएट करिए, अदरवाइज अननेसेसरी का आप किसी भी तरीके का उस पे वर्कआउट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? Now, अब मान लीजिए किसी भी केस के लिए, ये केस है, मान लीजिए केस वन, इस केस के लिए आपने क्या किया, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट, मान लीजिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट आपने लुधियाना में सेटअप करी। तो जरूरी नहीं है कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है ये आपके सिर्फ लुधियाना के मैटर से ही डील करेगी। नो, हो सकता है कि इसके जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया जाए, इसके जुरिस्डिक्शन को बड़ा कर दिया जाए। अब जैसे मान लीजिए लुधियाना के नियर बाय लगते हुए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए अमृतसर है, तो ये अमृतसर के केसेस को भी डील कर सकती है। और इसी तरीके से कौन से डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, अब आई एम नॉट वेरी मच अवेयर, बट फॉर इंस्टेंस मान लीजिए पटियाला है, राइट? और कौन से डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, भटिंडा, मान लीजिए कि लुधियाना के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो लुधियाना को क्या करा गया, एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया गया। जैसे अभी आप पंजाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लुधियाना क्लासेस लेने आए थे, तो लुधियाना क्या था, आपका एक एकोमोडेट पॉइंट था, आपका एक सेंट्रल पॉइंट था जहां पे आपकी क्लासेस कंडक्ट, आपका समर कैंप होना था। तो इसी तरीके से कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाती हैं ताकि आप उसके रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उस पर्टिकुलर लेवल पे, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाके आप उसे सॉर्ट आउट कर सकें, या उस केस से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसे क्लीन करा पाए। क्लियर है? लेकिन जनरल रूल ये कहता है लीगल सिस्टम के अंदर जी हाँ, कि जब भी आप कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे उसका एक टाइम पीरियड फिक्स करेंगे। हो सकता है वो टाइम पीरियड 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 12 महीने का हो। आई एम नॉट सेइंग द एग्जैक्टली फिगर, ये एग्जैक्टली फिगर नहीं है कि 3 के लिए होगी, 6 के लिए होगी, एक एग्जाम्पल है। तो कोई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट उस टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए हमने 6 महीने के लिए बनाई, तो 6 महीने के अंदर उस केस को वो रिजॉल्व करेगी, चाहे एक्विटल की फॉर्म में हो या कन्विक्शन की फॉर्म में। इज इट क्लियर? तो जनरली क्या कहा, गवर्नमेंट ने किस तरीके की स्कीम को बनाया कि आप जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, यू शुड मेक अ पीरियड मैक्सिमम फॉर अ 1 ईयर। अगर अब आपको 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना है, मान लीजिए केस 1 साल में कवर अप नहीं हो पाया, कुछ जरूरी विटनेसेस थे जिसको आपको सुनना था, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, देन और आपको अब केस को इंक्रीज करना है या फिर आपको उस टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज करना है, तब आपको ये अप्रूवल लेनी होगी। टर्म क्या यूज करा गया है, सब्जेक्टेड। देखिए लीगल लैंग्वेज के अंदर जहां कभी भी, चाहे आप आज पढ़ेंगे या फ्यूचर में अपने कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे, सब्जेक्टेड का मतलब होता है काइंड ऑफ परमिशन, कि जब तक आप परमिशन नहीं लोगे तब तक आप उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। जैसे कि कल एक हमने एक एग्जाम्पल किया था, सॉरी ऑन द लास्ट लीगल क्लास ऑन मंडे, कि आप स्कूल, घर से तो स्कूल के लिए जा रहे हैं बट स्कूल पहुंच नहीं रहे, तो आपसे पूछा जाएगा ना 3 दिन बाद जब आप स्कूल जाओगे, तो स्कूल वाले पूछेंगे ना, बेटा पहले बताओ कहाँ थे 3 दिन तक, तभी आपको क्लास में आने दिया जाएगा। तो अब आपको पहले बताना होगा, रीजंस देने होंगे, दैट इज सब्जेक्टेड टू द परमिशन। अब आपको परमिशन लेनी होगी, सर मैम मेरा एक लीगल रीजन था, मैं स्पोर्ट्स में था, मेरे कुछ दूसरे एग्जाम्स चल रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जो भी एक वैलिड रीजन है। लेकिन अगर आप ये कहोगे जी मेरा मन नहीं कर रहा था आने का, तब क्या आपको क्लास में आने दिया जाएगा इजीली? आंसर इज नो। तो ऑलवेज रिमेंबर जो ये टर्म सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे इन फ्यूचर एज वेल, ये आप बहुत जगह पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट हर एक लॉ के अंदर पढ़ेंगे, हर एक प्रोविजन के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। दिस टर्म इज स्पेसिफिकली
काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, एक रिस्ट्रिक्शन की तरह इसको हमने यूज करा गया है। और लीगल लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू, पहले पूछिए उसके बाद आपको अलाउ करें। क्लियर है? आगे बढ़ू ना फर्दर? जस्ट वन सेकेंड। व्हाट डज इट से? सब्जेक्टेड टू दी फर्दर अप्रूवल, फर्दर अप्रूवल। अब देखिए इसमें आपको ये नहीं बताया गया है कि ये अप्रूवल किसकी होगी। कई बार आपके पास यहां मेंशन होगा सब्जेक्ट टू दी फर्दर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ सेंटर, ऑफ कोर्ट, किसी का भी नाम हो सकता है यहाँ पे। इट डिपेंड्स कि उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है। तो अगर मान लीजिए, अगर इस फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मैं यहां बात कर रहा हूं फर्दर अप्रूवल ऑफ सेंटर, तो इट मीन्स अब आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी है। फर्दर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स कैबिनेट मिनिस्ट्री, सेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परमिशन लेनी है। या फिर आपने बात करी फर्दर अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ किसी का भी नाम हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं गाइस, ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जरूर हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए। डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस इज एन इश्यू ऑफ सीरियस कंसर्न, नॉट जस्ट एट द सबॉर्डिनेट कोर्ट लेवल। देखिए आपके स्कूल में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? आपके प्रिंसिपल सर और मैम, राइट? प्रिंसिपल के जो अंडर काम करते हैं, इमीडिएटली अंडर की मैं बात कर रहा हूं, वो है आपके वाइस प्रिंसिपल सर या मैम, जो भी है आपके रिस्पेक्टिव स्कूल के अंदर। देन टीचर्स, टीचर्स में भी कई बार आप देखेंगे कुछ सीनियर टीचर्स होते हैं, कुछ जूनियर टीचर्स होते हैं, कुछ न्यूली अपॉइंटेड होते हैं। यू कैन से एक कैटेगरी मान लेते हैं हम सीनियर टीचर की, मैं कह देता हूं सीनियर टीचर। वन इज जूनियर टीचर, जूनियर टीचर, एंड देन यू कैन से, और अगर छोटे से हम लेवल की अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आपके स्कूल का अदर स्टाफ है जो कि आपके स्कूल की मेंटेनेंस में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, राइट? अदर स्टाफ की अगर मैं बात कर देता हूँ, देन यू कैन से आपके क्लास मॉनिटर सर आ गए कि देखिए ओके, अगर क्लास में कोई भी इश्यू होता है, सर अगर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, टाइमली नहीं आ पाते हैं, तो मॉनिटर क्या करता है, 2 4 5 मिनट के लिए क्लास को मेंटेन करता है। तब कहीं जाके आप लोगों का एक प्रोटोकॉल में नंबर आता है। तो ये क्या है, ये सब एक हायरार्की है। जैसे कि लीगल लैंग्वेज में बात करता हूं, सबसे ऊपर इंडियन जुडिशरी में कौन है, सुप्रीम कोर्ट। उनके बाद कौन आते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज कह सकते हैं, सेशन जज कह सकते हैं। इनके नीचे कौन आता है, असिस्टेंट। देन यू कैन से दी सीजेएम, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये इस तरीके की एक हायरार्की है, और जब भी आपकी कोई हायरार्की होती है गाइस, ये एक तरीके का आपका सबॉर्डिनेट लेवल होता है कि आपके अंडर में जो भी काम कर रहे हैं, हु आर दी सबॉर्डिनेट्स। इज इट विजिबल गाइस, डिस्प्ले विजिबल है आप सबको, बिकॉज समवन इज टेक्सटिंग में। और ब्रॉड मैम, श्योर, सॉरी, नाउ फाइन, मेक इट और ब्रॉड, ओके, जस्ट वन सेकेंड। इज इट फाइन मैम? ओके चलिए ना, सॉरी फॉर गाइस, अगर आप पहले बता देते इतने क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होती। धनीजा कुमारी, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग गाइस, धनीजा डू नॉट राइट एनीथिंग। वेयर आर वी? वी आर एट द पॉइंट ऑफ डिस्पोजेबल, ओके। डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस इज एन इश्यू ऑफ सीरियस कंसर्न, राइट? नॉट जस्ट एट द सबॉर्डिनेट लेवल,
of the judiciary. Further, it says that but at the different appellate level of the judiciary. Now, देखिए अभी मैंने आपको एक हायरार्की बताई, दैट इज मॉनिटर, सीनियर, जूनियर टीचर, सीनियर टीचर, इस तरीके की हायरार्की होती है. तो एपिलेट लेवल क्या होता है, जब कभी भी आपके पास एक पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड आपके फेवर में या आपके प्रॉपर रेमेडीज को प्रोवाइड ना करा जाए, दैट मीन्स आपको एक प्रॉपर थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी जाए, टिल देन यू हैव अ राइट टू अपील. और जब आप कभी आप अपील करते हैं, इसे बोला जाता है एपिलेट लेवल. तो अगर आपके मॉनिटर ने आपकी नहीं सुनी तो आप कहां जाते हैं, क्लास टीचर के पास. क्लास टीचर ने भी अगर आपके साथ प्रॉपर बिहेव नहीं करा या आपकी प्रॉपर बात नहीं सुनी, तब आप वाइस प्रिंसिपल के पास एंड देन प्रिंसिपल के पास. तो ये क्या है, ये सब जितने भी सीनियर्स हैं दे ऑल आर एपिलेट लेवल. तो दैट मीन्स लोअर जुडिशरी सीजेएम साहब से लेके आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब पे गए, डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए. तो ये सब क्या है, एपिलेट लेवल, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है आपकी इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर. क्लियर. फर्दर, बट अ लॉट ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू द फास्ट ट्रैक केसेस, टू द फास्ट ट्रैक केसेस कोर्ट हैव प्राइमरली बीन फोकस्ड अराउंड द सबॉर्डिनेट कोर्ट around the subordinate courts to reduce delay. It is important that reform should be introduced not only in the subordinate level but in high court as well as in the supreme court. देखिए अभी मैंने आपको एक term clear करा, they all are the appellate courts. If you talking about high court, high court आपका कभी subordinate court नहीं है. High court क्या है, आपका appellate court है. सुप्रीम कोर्ट आपका क्या है, एपिलेट कोर्ट है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट भी क्या है, दे ऑल आर सबॉर्डिनेट, दे ऑल आर सबॉर्डिनेट. इज इट क्लियर, जी हाँ क्लियर है दिलजीत, कोई डाउट. तो दिस टर्म इज बेसिकली एम्फसाइज कि इट इज नॉट ओनली द सबॉर्डिनेट कोर्ट कि जिसपे आप एक जुडिशरी लेवल पे आप उनके बर्डन को कम करें. नो, रादर अब आपको कोई ना कोई रिफॉर्म्स, कोई ना कोई प्रोसीजर ऐसा एडॉप्ट करना होगा जिससे आपके एपिलेट कोर्ट को भी, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी, उन केसेस से रिलेटेड, इन शॉर्ट कम से कम समय में आपके केस को क्या करा जाए, डिस्पोज ऑफ किया जाए. That means उस केस को क्लियर करा जाए, चाहे एक्विटल हो या कन्विक्शन. क्लियर है, आगे बढ़ू. फर्दर, एज पर द रिप्लाई सबमिटेड, एज पर द रिप्लाई सबमिटेड इन जून 2019, in June 2019, close to the 43 lakh cases. Okay, now dekhiye, as per the reply submitted in Rajya Sabha, Rajya Sabha means the upper house. Yes, ek point mein aapse skip ho gaya, mujhe batana. Lok Sabha ko aapka, Lok Sabha, please mention kar lijiyega is note point ko. लोकसभा को बोला जाता है यहाँ पे लोअर हाउस. कई बार आप देखेंगे आपको ये लोकसभा टर्म यूज नहीं मिलेगा, रादर दे विल सेट लोअर हाउस. और राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस, अपर हाउस. ऑल्दो कुछ आपको शॉर्ट नोट्स आपको टॉपिक के एंड पे प्रोवाइड कराए जाएंगे वंस वी आर डन विद दिस कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिस रिलेटेड जो हमारा एरिया होगा, बट स्टिल आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में और अपने जो भी नोटबुक आप यूज कर रहे हैं इसमें मेंशन करते जाइएगा. लोकसभा इस टर्म और लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसका एक और नाम है हाउस ऑफ पीपल. यस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ पीपल. अब आपके पास टोटल तीन टर्मिनोलॉजीज हैं. अगर मैं बात करता हूं लोकसभा की, आप लोकसभा कहिए, लोअर हाउस कहिए, लोअर हाउस कहिए,
या फिर आप बात करिए हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, तीनों एक ही मतलब है, ऑलवेज रिमेंबर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है। कुछ एग्जामिनर लोकसभा यूज करेंगे पेपर बनाते वक्त, कुछ लोअर हाउस यूज करेंगे, कुछ कहेंगे हाउस ऑफ द पीपल, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस, अपर हाउस, और उसका जो दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। एज पर द रिप्लाई सबमिटेड इन राज्यसभा जून 2019, क्लोज टू 43 लाख केसेस आर पेंडिंग इन द हाई कोर्ट्स। देखिए क्या बात कर रहा है, सिर्फ हाई कोर्ट की ये बात कर रहा है। तो अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करता हूं, टोटल 28 हाई कोर्ट्स हैं, इन ईच स्टेट वी हैव वन हाई कोर्ट, राइट? तो इन इंडिया के अंदर सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर कितने केसेस पेंडिंग है? 43 लाख केसेस। उसके अलावा आपके लोअर कोर्ट, अभी उनका डाटा हमने यहां एक्सप्लेन नहीं करा है, इज इट क्लियर? वर्ड से हाई कोर्ट विथ ईयरली, जस्ट वन सेकेंड गाइस, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, या विथ नियरली, सॉरी, इट्स नियरली 8 लाख केसेस पेंडिंग फॉर मोर देन अ डिकेड, कि पिछले 10 साल के अंदर ही कितने केसेस पेंडिंग है? आपके 8 लाख केसेस पेंडिंग है। क्रिमिनल केसेस अराइजिंग फ्रॉम दी लोअर कोर्ट, दैट मीन्स योर फ्रॉम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था लोअर कोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोले जाते हैं, और आपके जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको हम एपिलेट लेवल पे कोर्ट बोलते हैं। लोअर कोर्ट फ्रॉम अ ह्यूज पोर्शन इन हाई कोर्ट्स टू, एज पर द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट एनुअल रिपोर्ट एज ऑफ जून 30, 2018, देयर वर क्लोज टू 7.5 लाख क्रिमिनल अपील्स एंड क्रिमिनल रिविजन केसेस दैट वर पेंडिंग इन द हाई कोर्ट। देखिए अब यहां पे मैं आपको दो टर्म्स पहले ब्रीफ करना चाहूंगा। देखिए अपील में और रिविजन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका एक लीगल पॉइंट है, दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। अपील, मान लीजिए एक केस चल रहा है ए वर्सेस बी लोअर कोर्ट के अंदर, राइट? या हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने, और ए जो है वो केस हार जाते हैं, राइट? अब जब केस हारेंगे तो ए क्या करेगा? ये अपील में जाएगा, राइट? दैट मींस वो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट जज से जो सीनियर कोर्ट होगी उनके पास वो मूव करेगा, और वो ये कहेगा कि सर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है, लोअर कोर्ट ने मेरे एविडेंसेस को सुना नहीं, सारे के सारे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा, कुछ इस तरीके की बातें कहेंगे। तो जब भी आप किसी भी लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाएंगे, किसी भी अपर कोर्ट में, दैट मीन्स अब आप जुडिशियरी में किसी भी लेवल की बात करिए, कि अगर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से आप चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पे जाएंगे तो लोअर कोर्ट किसकी हुई? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। अपर कोर्ट किसकी हुई? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। तो जब तक आप सीनियर लेवल पे अपील करते रहेंगे उसे बोला जाता है एपिलेट रिविजनरी ज्यूरिसडिक्शन। अभी लीगल टर्म पे मत एंटर करिएगा, बस इतना समझिए कि जब भी आप केस को हारते हैं और जब आप उससे सीनियर कोर्ट में अपील करते हैं उसे हम अपील बोलते हैं, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, क्लियर? अब समझिए रिवीजन क्या होता है, रिवीजन केसेस। देखिए कई बार केस हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ सीआरपीसी की, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो आज आज की डेट में जिसका नया नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये एक प्रोसीजर बताया गया है, और इस प्रोसीजर के अंदर जिया कुछ ऐसे केसेस को मेंशन करा गया है। अब वो केसेस की लिस्ट क्या है अभी आपका कोई कंसर्न नहीं है, जानने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए सिंपल सी अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई भी मैटर है फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई चोरी होती है 100 रुपए से कम की, less than 100 rupees, क्लियर? तो ये बताया गया है कि आप उस केस के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
ये क्लियरली मेंशन करा गया है। सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये आपका एक परफेक्ट बुक का या बैरेट का एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ आपके लेवल को इजी करने के लिए कि रिवीजन में और अपील में क्या फर्क होता है। क्लियर? अब मान लीजिए कि ए जो था, ए ने 100 रुपए की चोरी करी, ए वर्सेस बी एक केस चल रहा है, राइट? ए ने 100 रुपए की चोरी करी, राइट? एंड बी ये अपील में जाना चाहता है, तो कोर्ट कहेगा ठीक है आप जाइए अपील में, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अपील में जाने से पहले कोर्ट ये पूछ सकता है कि भाई कितने रुपए की चोरी थी, किस आइटम को आपने चुराया, किस आर्टिकल की चोरी करी। तो वो कहता है कि जनाब मैंने तो स्कूल बुक चोरी करी थी। तो हो सकता है कोर्ट उस अपील को सुनने से मना कर दे, डिनाई कर सकता है। लेकिन उस केस में आप जाते हैं रिवीजन, वो क्या कहता है कि सर ठीक है मैं अपील में नहीं जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मेरी बात दोबारा से सुने। कई बार कहते हैं ना रिवाइज करो, तो रिवाइज टर्म से हमने बनाया रिवीजन कि सर आप हमारी बात को दोबारा से सुनिए, सारे फैक्ट्स को, सारे एविडेंसेस को अच्छे से जानिए, तभी आप एक सही फैसला ले पाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिवीजन। जब आप अपील में नहीं जा सकते किसी भी रीजन से, तब आप रिवीजन में जाते हैं। दैट मीन्स उन्हीं टीचर से, उन्हीं जज साहब के पास कि सर और मैम आपने इन फैक्ट्स को नहीं सुना, या फिर ये फैक्ट्स पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं करे गए और मैं अपील में नहीं जा सकता, तो अब आप क्या करिए रिवीजन सुनिए कि उस केस को दोबारा से सुनिए। कॉपी को जैसे दोबारा चेक कराते हो ना, कई बार आपको लगता है कि मेरे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे लेकिन कम आए, तो चेक कराते हो ना दोबारा से कॉपी, रीचेकिंग बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रिवीजन। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? जी हाँ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वी आर, क्रिमिनल अपील एंड क्रिमिनल रिवीजन केसेस दैट वर पेंडिंग इन द हाई कोर्ट्स, अलाहाबाद हाई कोर्ट टॉप द चार्ट। दैट मीन्स अगर आप पूरे इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा किस हाई कोर्ट के केस पेंडिंग है, दैट इज अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के, यूपी का जो आपका हाई कोर्ट है दैट इज इन इलाहाबाद, और वहां पे सबसे ज्यादा आपके केसेस पेंडिंग है, चाहे आप क्रिमिनल अपील की बात करें या क्रिमिनल रिवीजन की बात करें। नाउ आफ्टर दैट मध्य प्रदेश, एंड देन योर पंजाब एंड हरियाणा। दैट मींस यू आर एट द थर्ड रैंक गाइस। तो जब जज बनो तो इस रैंक को और नीचे करना है, मेक श्योर। ऐसा नहीं यहाँ टॉप नहीं करना कि सोचो नहीं इलाहाबाद को आगे निकालना है, ऐसा मत करिएगा। इस रैंक में आपको लास्ट आना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज इट से, अ सिमिलर ट्रेंड कैन बी सीन इवन इन द सुप्रीम कोर्ट। दक्ष स्टडी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केसेस बिटवीन जनवरी एंड नवंबर 2018 रिवील्ड द मोस्ट नंबर ऑफ जजमेंट पर्टेन्स टू अ क्रिमिनल मैटर। कि भाई जितने भी, देखिए कोई भी केस दो तरीके के ही हो सकते हैं, या तो वो सिविल मैटर होगा, सिविल मैटर, या फिर वो होगा क्रिमिनल मैटर। इसके अलावा केसेस का कोई तीसरी कैटेगरी नहीं होती है। सिविल मैटर में दोबारा से बहुत सारी कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, कस्टडी से रिलेटेड, ये जितने भी मैटर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिविल मैटर। और इससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस अगर नेचर का होगा तो उसे हम बोलते हैं क्रिमिनल मैटर। क्लियर है? तो यहां पे क्या बताया गया, दैट दक्ष स्टडी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिटवीन जनवरी एंड नवंबर 2018 रिवील्ड दैट मोस्ट नंबर ऑफ जजमेंट पर्टेन्स टू क्रिमिनल मैटर्स विद केस टेकिंग 4.6 ईयर ऑन एवरेज टू गेट डिस्पोज। कि आज की डेट में अगर आपके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट में आज क्या है, 2024 चल रहा है, तो अगर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस आया तो उसे ऑन एन एवरेज लगभग 4.5 साल, 2028 और 2029 तक उस केस को क्या करा जाता है, रिजॉल्व किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है। एक एवरेज टाइम बताया। अल्टीमेटली द राइटर हेयर वॉन्ट्स टू से कि जो ये आपके लगभग 4.5 साल का समय है, पूरे पैराग्राफ को अभी तक आप जो कंक्लूड करेंगे विद दी हेल्प ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स,
आप उन्हें क्या करिए, उस समय को कम करिए, ताकि जो नंबर ऑफ केसेस इस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जितने भी इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करे गए हैं, उन्हें क्या करा जा सके, जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ किया जा सके। क्लियर है? एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक कि हो सकता है टॉपिक का स्टार्ट किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड हो, पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड हो, पर्टिकुलर ड्यूटी से रिलेटेड हो, बट इट डजेंट मीन वो टॉपिक उसी पे एंड होगा। ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द टॉपिक एंड एंड ऑफ द दिस पैराग्राफ एंड दिस कंप्लीट सिनेरियो सेज, अश्विनी प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, दैट अल्टीमेटली दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इम्प्रूव, कि उस इम्प्रूवमेंट की वजह से नंबर ऑफ केसेस को कम से कम समय में सॉर्ट आउट किया जा सके। आई होप सो आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो रहे होंगे गाइस, बिकॉज मैं पंजाबी यूज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गुड इन पंजाबी। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, नो इश्यूज, यू आर फ्री टू आस्क, जस्ट टेक्स्ट मी, मैं और से ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। बट लैंग्वेज बैरियर का अगर, सॉरी मैम, हेमेंद्र जी प्लीज अनम्यूट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, मैम जस्ट वन सेकेंड मैम, हेमेंद्र जी प्लीज अनम्यूट ऑल ऑफ दीज पर्सन्स, बाय डिफॉल्ट अनम्यूट को रिमूव कर दीजिए, जस्ट वन सेकेंड मैम, इट इज ओनली फॉर दैट पर्पज की डिस्टर्बेंस ना, ओनली फॉर दैट पर्पज मैम। या आगे बढ़ते हैं, वेयर वी आर गाइस, वी आर एट दैट पैराग्राफ। ओके, विद ए केस टेकिंग 4.6 ईयर ऑफ एन एवरेज टू गेट डिस्पोज्ड ऑफ, हेंस इट इज इंपेरेटिव दैट फोकस शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑल द टायर्स ऑफ द जुडिशरी। ऑल द टायर्स मीन्स जितने भी आपके लेवल हैं, जितने भी सबॉर्डिनेट लेवल हैं, जितने भी जूनियर लेवल हैं, आप उन सभी के पास ये फोकस को करें कि वो उस सिस्टम को, उस केस को कम से कम समय में जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट? एंड दिस टॉकिंग अबाउट टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस, केसेस ऑफ सर्टेन नेचर शुड बी फास्ट ट्रैक, जैसे कि अब आप यहां पे इस पॉइंट को एड ऑन कर सकते हैं। क्या कह रहा है? केसेस ऑफ सर्टेन नेचर, ये नहीं कह रहा है कि हर एक केस को। तो हो सकता है, जैसे हमने पैराग्राफ की स्टार्टिंग करी, दैट केसेस विच इज रिलेटेड टू ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, कि भाई अगर कोई ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट होता है, तो उस ऑफेंस से रिलेटेड आप उन्हें जल्द से जल्द क्या करें, शुड बी फास्ट ट्रैक ऑल द वे टू टिल सुप्रीम कोर्ट अंडर द फाइन एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट। इट्स फाइन, जस्ट वन सेकेंड, अंडर द फाइनल, सॉरी, अंडर द फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट। सो अल्टीमेटली अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करता हूं, हियर यू कैन से दिस पैराग्राफ इज बेसिकली डीलिंग वन हाउ इंडियन जुडिशरी सिस्टम, इंडियन जुडिशरी सिस्टम विल इंप्रूव, वो अपने आप को कैसे इंप्रूव करे, सो दैट जस्टिस विल डिलीवर ऑन टाइम, कि जो न्याय मिलना है वो समय पे मिले। तो ये पैराग्राफ अल्टीमेटली इस टॉपिक्स की बात करता है। लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स आर डेजिग्नेटेड फॉर व्हाट पर्पस, किस पर्पस के लिए आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, वेदर इट इज दी टू डिस्पोज ऑफ द केस, दैट इज स्पेशल केसेस पर्टेनिंग टू मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। क्या अभी तक हमने इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी बात करी कि सिर्फ नेशनल इंपॉर्टेंस की हमने बात करी, रादर अभी तक हमने किस टॉपिक पे बात करी, कुछ पर्टिकुलर केसेस से। लास्ट पॉइंट को देखिए, बिल्कुल लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है सर्टेन नेचर, दैट मीन्स हियर वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द मैटर रिलेटेड टू नेशनल इंपॉर्टेंस, रादर इट मे बी द अदर टॉपिक एज वेल, कोई और टॉपिक भी हो सकते हैं। अनदर इज स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस अंडर द पेंडेंसी फॉर विच एडजुडिकेशन इज नीडेड इन अ टाइम। देखिए दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इन द
आंसर नंबर बी, दे आर सेइंग कि कुछ ऐसे केसेस को आपको रिक्वायर करना चाहिए, ऐसे केसेस की फाउंडेशन करना चाहिए। देखिए एडजुडिकेशन मींस होता है इन द लीगल लैंग्वेज, एडजुडिकेशन मींस टू डिस्पोज ऑफ, राइट, कि उसको जल्द से जल्द एडजुडिकेट करके, जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करके, उसके एरियाज को, उसके एविडेंस को, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके एडजुकेट करा जाए और उस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाए। क्लियर? तो हमने क्या यहाँ पे अभी तक किसी भी तरीके से कोई स्पेशल केसेस की हमने यहाँ डिलीवरी की बात करी? आंसर इज नो। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन फॉर्म कि भाई अगर कोई भी एक क्राइम होता है, आप उसको अगर एक पर्टिकुलर नेचर में, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस करते हैं, देन ओनली यू आर अलाउड टू मेक दिस काइंड ऑफ एडजुडिकेशन। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हमने इसकी यहां कहीं बात नहीं करी। फर्दर थर्ड पॉइंट सेज स्पेशल केसेस ऑफ हीनियस क्राइम। देखिए समर कैंप के दौरान मैंने आपको हीनियस क्राइम की डेफिनेशन बताई थी। हीनियस क्राइम बेसिकली किन ऑफेंसेस को कहा जाता है? कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही ब्रूटली तरीके से करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पैराग्राफ में दिया भी हुआ है, लाइक रेप, क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन, इनवोकिंग पॉक्सो एक्ट। सो दीज आर व्हाट, ये हमने एक हीनियस क्राइम की कैटेगरी बनाई, एक ऐसी कैटेगरी को हमने बनाया कि भाई जिसके अंदर पनिशमेंट देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, कि अगर ऐसे क्राइम हुए और आपने एक्यूज्ड को पनिश नहीं करा तो वो सोसाइटी पे एक गलत इम्पैक्ट डालेगी, एक गलत मैसेज डिलीवर करेगी। इज इट क्लियर? ऑल ऑफ दी अबाउ, लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबाउ, ऑल ऑफ दी अबाउ इज नॉट पॉसिबल। मोस्ट पॉसिबल आंसर, आंसर इज सी, एंड अकॉर्डिंगली इट इज मेंशन हियर कि हीनियस क्राइम। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हीनियस क्राइम की बात कर रहे हैं ताकि अगर कोई क्राइम उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है, देन यू विल सेज दैट दिस क्राइम इज ऑफ द पर्टिकुलर नेचर जिसमें आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर? आप लोगों ने क्लासेस के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा था गाइस? किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही हो? नाउ अनदर क्वेश्चन, लेट अस सी। डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस इज एन इश्यू ऑफ सीरियस कंसर्न, इज एन इश्यू ऑफ सीरियस कंसर्न एंड एट द सबॉर्डिनेट एज वेल एज द एपिलेट लेवल, एट द सबॉर्डिनेट एज वेल एज द एपिलेट लेवल ऑफ द जुडिशरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेमेडी फॉर, इज अ रेमेडी और अ लीगल रेमेडी अगेंस्ट सच डिले। देखिए यहां पे एक पॉइंट, मैं आप थोड़ा सा और एक एडिशनल पॉइंट नोट करिए आप अपनी कॉपी में। हमारे लीगल सिस्टम के अंदर दो तरीके की रेमेडी होती है, दैट मींस दो तरीके के रिलीफ दिए जाते हैं। एक हम रेमेडी के नाम से जानते हैं, एक हम बोलते हैं लीगल रेमेडी। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। मान लीजिए आपके और आपके फ्रेंड की लड़ाई हो गई, राइट, और उसने आपका कुछ लॉस कर दिया, आपकी वॉच को मान लीजिए डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया या चोरी कर लिया, किसी भी छोटी मोटी हम बात कर रहे हैं। क्लियर? नाउ उसे थोड़ा सा गिल्ट महसूस हुआ कि नहीं मैंने गलत किया। आफ्टर दैट आपके उस फ्रेंड ने आपको वो आपका जो भी उसने वो मान लीजिए वॉलेट था, वॉच थी, बुक थी, कोई भी एक ऐसी चीज थी, वो आपको रिटर्न कर दी। दिस इज अ रेमेडी। क्लियर? लेकिन जब कभी भी कोई रेमेडी कोर्ट के थ्रू मिलती है, रिमेंबर, हो सकता है वो बुक जो आपके फ्रेंड ने आपसे चोरी कर ली थी या वॉच जिसको तोड़ दिया था, वो कोर्ट जब आपको देगा उसे आप बोलोगे लीगल रेमेडी। दिस इज नॉट अ जस्ट सिंपल रेमेडी। ये बेसिक डिफरेंस है। आपने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, दैट इज रेमेडी, बट वो कॉम्प्रोमाइज कोर्ट के थ्रू हुआ, दैट इज लीगल रेमेडी। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है और मेक श्योर यहाँ पे गलती मत करिएगा क्योंकि एक एग्जाम में ये डिफरेंस पूछा गया है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। कॉम्प्रोमाइज कोई भी इशू है, आपने आपस में समझौता करा, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, दैट इज रेमेडी। बट लेकिन अगर वो ही रेमेडी कोर्ट के थ्रू मिलेगी तो वो आपकी लीगल रेमेडी होगी। क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्या कहता है? डिले इन डिस्पोजल ऑफ केस इज एन इशू ऑफ सीरियस कंसर्न एट द सबॉर्डिनेट लेवल एज वेल एज द एपिलेट लेवल ऑफ द जुडिशरी।
विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल रेमेडी और रेमेडी अगेंस्ट सच डिले. चलिए, अकाउंटेबिलिटी फॉर वायलेशन पर्टेनिंग टू डिले शुड बी फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर होल ऑफ द कोर्ट जुडिशियल सिस्टम. जस्ट लेट्स सी क्या टर्म लिखा हुआ है. क्रिमिनल जुडिशियल जस्टिस सिस्टम. ओके, दिस कुड बी द आंसर, बट लेट्स सी द अनदर वन. रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट अ सबॉर्डिनेट लेवल. देखिए, अगर यहां पे टर्म ओनली नहीं होता ना, दिस टर्म ओनली, देन इट इज पॉसिबल कि ये आंसर हो सकता. लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में अभी तक क्या हमने ये कहा कि सिर्फ सबॉर्डिनेट लेवल पे ही आपको सिस्टम को अपडेट करने की, रिफॉर्म करने की जरूरत है? आंसर इज नो. हमने हाई कोर्ट लेवल पे भी बात करी, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी बात करी, तो ये आंसर नहीं हो सकता. अगर ये ओनली ना होता तब हो सकता था. रिफॉर्म शुड बी मेड और इंट्रोड्यूस एट सबॉर्डिनेट लेवल बट नॉट हेयर इटसेल्फ. फर्दर, रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस अगेन द टर्म ओनली इज यूज. अगेन इट इज नॉट बी द आंसर. मोस्ट सुटेबल आंसर इज योर आंसर ए. यहां तक कोई डाउट गाइस? किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन इज पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 कंफर्म्स द राइट ऑफ फ्री लीगल एड अंडर सेक्शन 40. सेक्शन 40 क्या है? डजेंट मैटर, अभी आप यहां पे डील मत करिएगा. इट नॉट कंसर्न हियर राइट नाउ. प्रोवाइडिंग दैट द चाइल्ड और हिज और फैमिली शेल बी एंटाइटल्ड टू लीगल काउंसिल ऑफ देयर चॉइस. देखिए, पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 40 जो बेसिकली बात करता है, दिस सेज अगर कोई ऑफेंस हुआ जो कि पॉक्सो के अंदर फॉल करता है, राइट, उस सिचुएशन के अंदर गाइस सेक्शन 40 कहता है दैट उस चाइल्ड को या उनकी फैमिली को आप क्या करेंगे? लीगल काउंसिल अपॉइंट करेंगे उनकी चॉइस. क्लियर है? फर्दर, एंड दैट वर दे वर एंड दैट वेयर दे वर अनेबल टू अफोर्ड. अब मान लीजिए वो जो पर्सन है या वो फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो उस लॉयर की, उस एडवोकेट की फीस को पे कर सके. इन सच सिचुएशन सच काउंसिल दे शैल बी एंटाइटल टू रिसीव वन फ्रॉम लीगल सर्विस अथॉरिटी. इफ यू रिमेंबर गाइस, मैंने आपको समर कैंप के दौरान तीन अथॉरिटीज के नाम बताए थे. एक मैंने आपको बताया था DLSA, वन इज योर SLSA एंड लास्ट वन इज योर NLSA. तो LSA इज बेसिकली लीगल सर्विस अथॉरिटी. D मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल. जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी काउंसिल को अपॉइंट करते हैं किसी केस के लिए, किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि उस केस को फाइट नहीं कर सकता, उस केस की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता. जब आप स्टेट लेवल पे करते हो, हाई कोर्ट में करते हो, उसे हमने क्या बोला? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी. एंड सिमिलरली जब आप सुप्रीम कोर्ट पे, नेशनल लेवल पे आप करेंगे, उसे हमने क्या कहा था? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. तो यहां पे जो ये टर्म यूज करा गया है, दिस टर्म लीगल सर्विस अथॉरिटी मीन्स अब आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे आप स्टेट लेवल पे हो, चाहे आप नेशनल लेवल पे हो, आपको हर एक लेवल पे अगर आप कोई काउंसिल अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई एडवोकेट की फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी आपकी हेल्प करेगी. दैट इज राइट टू फ्री लीगल एड इज एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए थोड़ा सा यहां पे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंटर कराता हूं. देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, कौन से आर्टिकल में, कौन से प्रोविजन के अंदर ये राइट प्रोवाइड कराया गया है, राइट टू लीगल एड. क्लियर? अब यहां पे इसको क्वेश्चन को डील करने के लिए अब मैं डायरेक्टली आपको यहाँ कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बता रहा हूं, आप प्लीज नोट डाउन करिएगा साथ साथ, ताकि कोई पॉइंट कहीं और भी फ्यूचर में किसी भी पैराग्राफ से रिलेटेड हो आप उनके आंसर कर पाए. क्लियर है? देखिए, हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं. एक है हमारा फंडामेंटल राइट,
फंडामेंटल राइट, एक है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीसरी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करता हूं, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कहां से कहां तक है। आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 35 पे एंड होते हैं, और जिस पार्ट में है वो पार्ट है आपका पार्ट थर्ड। ऑल्दो पार्ट थर्ड यहां मेंशन है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, बट ये आर्टिकल मेंशंस नहीं। फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। क्लियर? अनदर कैटेगरी है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आपके आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है, 36 टू 51 तक। अभी ये क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया जरूर दूंगा। क्लियर? और लास्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, ये है आपका आर्टिकल 51 कैपिटल ए, आर्टिकल 51 कैपिटल ए के अंदर। फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट थ्री में है, फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आपके पार्ट फोर के अंदर है, यहाँ पे मेंशन भी है आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लिखते चले जाइएगा किस आर्टिकल से कहां तक है। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं थोड़ा सा समझिए, ताकि इस पॉइंट पे आप आंसर कर पाएंगे तभी, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन का, राइट टू फ्री लीगल एड क्या होती है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसे राइट्स सिटीजन्स को, आपको, मुझे, हम सबको ऐसे प्रोवाइड कराए गए हैं जिसे चाहकर भी कोई दूसरा पर्सन उन्हें वायलेट नहीं कर सकता, दैट मीन्स उन्हें ओवरराइड नहीं कर सकता, उन्हें काट नहीं सकता। जैसे कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, पूरे इंडिया में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। आप अगर कोई काम करते हैं तो जितना आपको उस काम के लिए वेजेस, दैट मीन जितनी इनकम मिलेगी, वही काम के लिए उतने ही इनकम के लिए सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा। कोई भी सुपीरियर नहीं है, दैट मीन्स कोई भी, जैसे हम जनरली अपने सिस्टम में हम समझते हैं कि कास्ट सिस्टम है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज एवरीवन इज इक्वल, सबको समान अधिकार दिए गए हैं, तो इसे बोला गया हमने फंडामेंटल राइट्स, और इन राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं करता है और ना ही कर सकता है, चाहे कोई एक पर्सन हो, आप या मैं हो, या फिर आपका स्कूल हो, या आपका डिपार्टमेंट हो, या आपकी गवर्नमेंट हो, या भारत सरकार हो, या पार्लियामेंट हो, कोई भी उन्हें वायलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कराए हैं, हमारे संविधान ने प्रोवाइड कराए हैं, और वो जितने भी राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फॉल करते हैं। अब क्या क्या है छोड़ दीजिए, कोई कंसर्न नहीं है, बट ये समझिएगा वो राइट्स जिन्हें कोई वायलेट नहीं कर सकता। क्लियर? सेकेंड कैटेगरी है आपकी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51, दैट इज पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। देखिए क्या होगा, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो हमें ये पता लगा कि कुछ जिम्मेदारियां हमें राज्य के ऊपर भी देनी होगी। क्लियर? अब जैसे कि क्या होगी सोचिए, क्या राज्य की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, स्टेट की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराए आपको और हमें, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराए, राइट, अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स में अगर कोई बच्चा अच्छा है उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, ये किसकी ड्यूटी है? ये सारी की सारी ड्यूटी आपकी स्टेट की है। तो स्टेट के ऊपर हमने कुछ कंपलसरी कर दिया,
कि भाई आप ये करोगे ही करोगे, जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे, आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, राइट? अच्छा एनवायरनमेंट होगा, अगर जैसे मान लीजिए आपके एरिया के अंदर म्यूनिसिपल्स होंगी, म्यूनिसिपल काउंसिल्स होंगी, वो क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है कि वहां पे कोई भी गंदगी ना फैलाए, आपके एरिया को साफ रखा जाए, इट इज द स्टेट ड्यूटी। तो इनको क्या बोला गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो अब देखिए हमने टर्म क्या यूज करा गया, लीगल सर्विस अथॉरिटी, और पैराग्राफ क्या कह रहा है, एनी पर्सन हु आर अनेबल टू अफोर्ड सच काउंसिल्स दे शेल बी एंटाइटल टू रिसीव वन फॉर्म ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब कौन अपॉइंट करेगा, कौन दे सकता है, क्या आप खुद करेंगे, बिकॉज आप कर नहीं सकते, वो पर्सन इतना कैपेबल नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, तो अब राज्य देगी ना, स्टेट की ड्यूटी होगी ना कि हर एक को जस्टिस मिलना चाहिए, राइट और रॉन्ग? तो इट इज द स्टेट जो आपको प्रोवाइड कराएगा एक काउंसिल, एक एडवोकेट, राइट टू फ्री लीगल एड। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या रहेगा, बी, दिस इज द आंसर। रीजन समझिए क्यों रहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इनडायरेक्टली और आपके सामने मेंशन है, नो दिस इज नॉट द वे, कि ऐसे तो आपको पूरे के पूरे आंसर शीट में मिलेंगे आंसर, बट रीजन समझिए, अंटिल एंड अनलेस आपको ये रीजन समझ नहीं आएंगे, आप ये कैपेबल नहीं हो पाएंगे। अब मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी ये कहां पे है, मैंने आपको बताया आर्टिकल 51 कैपिटल ए के अंदर है। देखिए आप सब स्कूल जाते हैं, हो सकता है अभी आप लोगों में से कोई स्कूल में ही प्रेजेंट हो, आपके स्कूल में स्वीपर्स भी होंगे, स्कूल को साफ सफाई के लिए एक मेंटेन स्टाफ भी है, राइट? लेकिन क्या आपको ये कहा जाता है कि चलिए देखिए स्वीपर है कोई बात नहीं, हम गंदगी फैला सकते हैं, गंदगी ना फैलाना भी आपका काम है ना, कि आप गंदगी मत फैलाइए वहां पे, इधर उधर डस्टबिन में जो आपका जो भी आपको थ्रो आउट करना है डस्टबिन में करिए, प्रॉपर जगह पे चीजों को रखिए। तो ये क्या है, ये आपकी ड्यूटी है ना। तो जब कुछ ऐसी ड्यूटी, कुछ मैंडेटरी ड्यूटी हमने क्या करी, इंडिविजुअल सिटीजन पे, भारतीयों पे भी लगाई, उसको हमने बोला फंडामेंटल ड्यूटी। अब फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, जैसे कि आप अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे, राइट? अगर आपकी ड्यूटी है कि कहीं पे भी आप एक एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करेंगे, दैट मींस वहां पे कोई भी अननेसेसरी की कोई भी मिसयूज नहीं करेंगे, कोई नेग्लिजेंस नहीं करेंगे, सो दिस इज व्हाट, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। सिर्फ अधिकार आपका राइट नहीं है, अगर आपने वो काम नहीं करा तो भी आपको पनिश करा जाएगा। तो ये तीन बेसिक इंपॉर्टेंट्स हैं, और अब मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक वर्ड में समझाना चाहूं या एक फ्रेज में समझाना चाहूं, आप फ्यूचर में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आगे जाके, साल में 2 साल में, जो भी आपके अकॉर्डिंग टू द टर्म्स में होगा सिलेबस के, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इन तीन चीजों के चारों तरफ घूमता है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कंप्लीट। और यहां तक कि आपके जुडिशरी लेवल, यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम सिर्फ इन तीन पॉइंट से पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट होंगे। बट लेट इट बी, अभी आपका कोई कंसर्न नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट तक का आंसर कंप्लीट है, वाई द आंसर इज बी, बिकॉज इट इज अ स्टेट हु प्रिवेंट दी लीगल सर्विस पर्सन और लीगल अथॉरिटी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर एक्यूज विक्टिम, जिसकी भी आप बात करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनदर वन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द वैलिडिटी ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर द स्टेट इज परमानेंट एंटाइस साइटिंग, सॉरी, परमानेंट एंटाइस साइटिंग ऑफ पेंडेंसी ऑफ द केस व्हिच इज अराउंड 1 लाख, लेट इट बी टेम्पररी एंटाइसमेंट सब्जेक्टेड टू द फर्दर अप्रूवल। देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड पैराग्राफ होगा, देखिएगा, दे वर सेइंग जब भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओगे इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जब 1 ईयर है तो ये टेम्पररी टाइम ही तो हुआ, ये परमानेंट नेचर का तो हो नहीं सकता। परमानेंट नेचर क्या है, आपकी हाई कोर्ट,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये परमानेंट नेचर के हैं। बट इट फर्दर सेज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, कि भाई आप चाहो तो उसे इंक्रीज करा सकते हो उस 1 साल के समय को, हो सकता है आप 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स, एज पर द रिक्वायरमेंट आप उसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहां तक का पॉइंट क्लियर? सो अकॉर्डिंगली द बेस्ट प्रोबेबल आंसर इज हियर इज आंसर बी, बट फिर भी एक बार रिमेनिंग पढ़ लेते हैं, मे बी कोई एरर ना हो टाइपिंग की। एंटाइसिटी ऑफ डिस्क्रिशन अंडर द गवर्नमेंट, नहीं हमने कहीं ऐसी बात नहीं करी कि गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे होगा, एक बार आपने उसे क्रिएट कर दिया देन इट इज क्रिएटेड। एंटाइसिटी विद द डिस्क्रिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो दे आर सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल, फर्दर अप्रूवल, सॉट नॉट ओनली अप्रूवल, रादर दे आर द सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल। क्लियर? लास्ट, आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन, या लास्ट क्वेश्चन है, लेट अस सी। साइटिंग द निर्भया केस, देखिए लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इस केस के बारे में थोड़ा सा मैंने अपडेट किया था, बट दिस केस ऑल अबाउट, किस केस के बारे में डिस्कशन कर रहा था, दैट सबॉर्डिनेट कोर्ट कंप्लीट इट्स प्रोसीडिंग विद इन 8 मंथ्स, कि भाई जिस सबॉर्डिनेट कोर्ट का मतलब है यहां पे ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, उन्होंने क्या करा, 8 महीने में अपनी प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दिया, दैट मींस 8 महीने में उन्होंने इस जजमेंट को प्रनाउंस कर दिया। आफ्टर दैट दिल्ली हाई कोर्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ, कि भाई दिल्ली, उसके बाद क्या हुआ, 6 महीने के अंदर एक अपील गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 महीने में उस अपील को क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया। एंड सुप्रीम कोर्ट नियरली 3 ईयर्स टू डिलीवर द वर्डिक्ट, देखिए वर्डिक्ट अगेन एक लीगल टर्म है, इसका मतलब होता है जजमेंट, डिसीजन दे। तो अब आप देखिए लोअर कोर्ट ने तो 8 महीने में, हाई कोर्ट ने 6 महीने में, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल। तो सोच सके जो काम लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने लगभग 1.5 साल में करा, वो सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल, उन्होंने उस चीज को रिजॉल्व करने में 3 साल का समय लगा दिया। व्हाट इज इट से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज सजेस्ट लेक्सिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देखिए लेक्सिटी का मीनिंग होता है लेकनेस, किसी चीज की कमी होना, कि क्या कमी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना लंबा समय उस डिसीजन को आंसर करा या उस केस को कंप्लीट कर, एज पर द पैसेज। क्लियर? नॉट योर और माइन कंसर्न, आपका और मेरा कंसर्न नहीं है, पैसेज के अकॉर्डिंग लेट अस सी। एज पर द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट एनुअल रिपोर्ट, इन जून 30, 2018, देर वर अराउंड 7.5 लाख क्रिमिनल केसेस, दैट विल नॉट बी द आंसर बिकॉज दे आर द फैक्चुअल डाटा, दे वर नॉट सेइंग कि कितने टाइम में हुआ, कि इतने केसेस पेंडिंग थे तो इस वजह से, नो, इट इज अ फैक्चुअल डाटा था पैसेज के अंदर, सो दिस कुड नॉट बी द आंसर। दक्स स्टडी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केसेस बिटवीन जनवरी एंड नवंबर 2018 रिवील्ड एट द मोस्ट नंबर ऑफ जजमेंट पर्टेन्स टू द क्रिमिनल मैटर विल टेक, दिस इज अगेन अ फैक्चुअल डाटा, बट हमारे पैसेज में इस कंप्लीट पैराग्राफ को यूज करा गया है, इस कंप्लीट फ्रेज को यूज करा गया, नॉट पैराग्राफ, कि एक स्टडी हुई जिसको हमने क्या बोला, दक्ष स्टडीज के नाम से, जिसमें यह बताया गया नवंबर और सॉरी जनवरी 2018 से नवंबर 2018 के बीच में जितने भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे, इट दैट विल टेक अराउंड 4.6 ईयर ऑन एवरेज, ये समय ज्यादा भी है, ये समय कम भी है, इट इज नॉट देयर कि एग्जैक्टली 4.6 ईयर्स है, नो, इट इज एन एवरेज टाइम टू गेट डिस्पोज ऑफ। Hence, it is imperative that focus should be shifted towards all the tiers of the judiciary. देखिए, it could be the last paragraph, in my opinion. देख, अगर मैं बात करता हूं इस लास्ट पॉइंट की, अगर आपसे पूछा जाता है, जनरली कई बार आप देखते हैं, व्हाट इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज, इस तरीके का क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा, स्पेशली जब आप लैंग्वेज का, इंग्लिश के पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे, उनके कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाएगा कि बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है एज पर यू। एज पर मी, इफ इट इज द बेस्ट टाइटल, इट इज इंपेरेटिव दैट फोकस शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड ऑल द टायर्स, ऑल द टायर्स मींस दैट चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो,
हर एक पे क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक इंपैरेटिव फोकस हो ताकि वो उस चीज को सॉर्ट आउट कर सके, उस केस को जल्द से जल्द कंप्लीट और डिस्पोज ऑफ कर सके। बट हियर वी आर नॉट द आंसर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर केस विच इज डीलिंग विद द निर्भया केस, कि भाई सबॉर्डिनेट कोर्ट ने 8 महीने में, दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 महीने में, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल में उस वर्डिक्ट को दिया, और हमारे पास एक एवरेज टाइम कितना था, 4.6 ईयर। दैट मीन्स इट इज विद इन एवरेज टाइम, दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पैसेज, लेट इट बी, या जस्ट वन सेकेंड, आप अनम्यूट हो पा रहे हैं गाइस, स्टिल नॉट एबल, जस्ट वन सेकेंड मैम। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर एबल टू अनम्यूट यस सर, यू, या यू आर फ्री टू आस्क अ यस क्वेश्चन प्लीज रिलेटेड टू द टॉपिक नाउ। Once we are done with the topic, then you are allowed to ask anything. But initially, आप topics related जो भी पूछना चाहते हैं, you are free to ask. सर, सेवेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन ए दोबारा समझा दें। सेवेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जस्ट लेट मी सी, जैसे याद नहीं है। क्या कह रहा है, डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस इज एन इश्यूएंस ऑफ सीरियस कंसर्न एट द सबॉर्डिनेट लेवल एज वेल एज द एपेलेट लेवल ऑफ द जुडिशरी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेमेडी और लीगल रेमेडी अगेंस्ट सच डिले। देखिए, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली सेज कि आपने जो डिले किया उसका रीजन क्या है। अनटिल एंड अनलेस आप कोई रेमेडी नहीं प्रोवाइड कराएंगे, रेमेडी देखिए मैंने आपको बताया दो तरीके की होती है, लीगल और जनरल रेमेडी, क्लियर। अगेंस्ट सच डिले, लेट इट बी ए आंसर है। ए से पहले बाकी चेक करते हैं कि ए ही क्यों है, बाकी क्यों नहीं है। आंसर डी, लेट इट बी, डी से हमारा कोई कंसर्न है, सी की बात करते हैं। देखिए रिफॉर्म क्या होता है, पहले रिफॉर्म टर्म को समझिए। रिफॉर्म मीन्स किसी चीज को अपडेट करना, किसी चीज को बेटर करना, अच्छा करना, उसे बोला जाता है रिफॉर्म, क्लियर। प्राची आई थिंक यू और प्रिया आपने पूछा था, प्रिया यस सर, प्रिया। ओके। रिफॉर्म का मीनिंग क्लियर है कि रिफॉर्म क्या मीनिंग होता है, किसी चीज को बेटर करना, अच्छा करना, इंप्रूव करना। तो क्या रिफॉर्म और इंप्रूवमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट द एपेलेट लेवल, दैट इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देखिए मैंने आपको बताया दिस टर्म ओनली, इसका आंसर ए होने का एक और रीजन क्या है, ये टर्म ओनली, क्योंकि पूरा पैराग्राफ अगर आप रीड करेंगे, पूरा कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे, कहीं पे भी ये बात नहीं बताई गई प्रिया कि जो रिफॉर्म्स, जो अपडेट्स करने हैं, जो सिस्टम को अपडेट करना है, जुडिशियल सिस्टम को, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लेवल पे या हाई कोर्ट लेवल पे हो, कहीं नहीं बताया गया। इसी तरीके से क्या कहा गया, रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट द सबॉर्डिनेट लेवल, नो, रादर दिस पैसेज सेज। और देखिए लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, अभी क्वेश्चन नंबर 10 अगर मैं आपको शो करता हूं ताकि और बेटर इजी आपको रहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको क्या बताया, इट इज इंपैरेटिव फोकस शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑल दी टायर्स ऑफ द जुडिशरी। मैंने आपको कहा था ना बेस्ट टाइटल अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो सकता था, कारण क्या था प्रिया, बिकॉज कि अब आपको इंप्रूवमेंट किसी पर्टिकुलर लेवल पे नहीं करनी होगी, रादर हर एक लेवल पे, टायर मीन्स एवरी लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हाई लेवल, अपर लेवल। तो इसी वजह से जो वहां आंसर था कि अकाउंटेबिलिटी दी जाए, पूछा जाए व्हाई दिस कुड बी द व्हाई द अकाउंटेबिलिटी शुड बी मेड, अदरवाइज अगर आप सिर्फ लोअर लेवल पे या सबॉर्डिनेट लेवल पे उनको लाइबल कर देंगे तो आप उससे एक कंप्लीट जस्टिस नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, बिकॉज आपके पास फिर ऑप्शन अवेलेबल होगा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी जिससे आप ये कह सकेंगे कि दैट मैंने अपना टाइम अकॉर्डिंगली किया, मैंने अपना समय लिया, बट दिस कुड नॉट बी द मोस्ट पॉसिबल और गुड आंसर। दैट्स व्हाई अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब शायद मैंने कल भी आपको बताया था,
जवाबदेही, लाइबिलिटी कि भाई देर क्यों हुई। अगर लॉ ने, देखिए लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट, बताया था ना, लोकसभा, राज्यसभा एंड देन अल्टीमेटली प्रेसिडेंट साहब हमारे साइन करते हैं उस बिल पे, तब वो लॉ बन जाता है। तो जब लॉ बनेगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी लोअर कोर्ट हो, वो उससे बाहर जा सकता है? वो भी तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ही काम करेंगे। तो जवाबदेही हर एक लेवल पे होनी चाहिए। व्हाई द डिले हैज बीन डन। अब क्लियर है प्रिया? फाइन। यस सर, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? यस मैंडी। सर जैसे आपने बताया था पहले, उधर कैंप में बताया था आपने, जो देखिए कैन यू बी लिमिटेशंस हैं लाउड प्लीज, क्रिमिनल लॉ थोड़ा पे सा आप सर। लाउड बोलेंगे, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। नाउ अब कैसे है? ठीक है सर। सर इट्स बेटर नाउ। आपने जैसे कैंप में बताया था कि जो लिमिटेशंस है क्रिमिनल लॉ पे, लॉ के ऊपर, लिमिटेशंस राइट। ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस, टाइम पीरियड जो है, एक एक टाइम पीरियड होता है सर, बट उसके अलावा भी अगर जब वो सर वो लिमिटेशंस है तो इतने केसेस पेंडिंग क्यों है? देखिए लिमिटेड, देखिए कॉग्निजेंस होता क्या है, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। कॉग्निजेंस बेसिकली ये होता है मैंडी, कि क्या आपको उस केस को आगे चलाना है या नहीं चलाना है। तो हमारे सीआरपीसी के अंदर, हमारी आईपीसी के अंदर एक समय फिक्स करा गया कि अगर कोर्ट को लगता है उसे केस चलाना है तो उसे जल्द से जल्द डिसाइड करे। अब अभी तक तो ट्रायल नहीं शुरू हुआ ना, अभी तक क्या था, सिर्फ सोच रहा है कोर्ट क्या कि इसमें वाकई में उस केस में दम है क्या, मुझे उस केस को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। ये होता है कॉग्निजेंस। जब केस स्टार्ट हो जाएगा, कोर्ट जब एविडेंस लेना शुरू करेगा, उसे ट्रायल कहते हैं, उसका अलग समय होता है। कॉग्निजेंस यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड से बाहर होता है, केस बार नहीं होता है। बार मीन्स एक रिस्ट्रिक्शन कि सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। अब क्लियर है मैडी? यस सर। सर ऐसे जैसे जो ट्रायल के ऊपर भी कोई टाइम पीरियड्स होते हैं? देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इसलिए बनाई गई, ये पैराग्राफ उसी पे था कि ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म करा जाए, कम से कम समय में खत्म करा जाए। जी सर, जनरली जैसे नहीं इधर होता जैसे है, लेकिन अगर कोई सीआरपीसी में हीनियस दिए हुए क्राइम हैं, है। जैसे हाँ बताइए। सीआरपीसी में इसके लिए कॉग्निजेंस का टाइम दिया हुआ है, वैसे पूछ रहा हूँ सर, नहीं ट्रायल नहीं के नहीं भी टाइम नो, होते हैं कोई नहीं? टाइम नहीं है, नो टाइम, नो टाइम, कोई टाइम नहीं है, एज सच कोई टाइम नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ग्रेट। एनीवन एल्स? नथिंग। यस जसविंदर बताइए। सर जी रहता सिर्फ ऐसी रिमेंडी और ईगर रिमेंडी सॉरी क्या पूछा जसविंदर आपने? रिमेंडी और ईगल रेमेडी रिमेंडी। रेमेडी रेमेडी। ओके ओके, रेमेडी और लीगल है। देखिए मान लीजिए जसविंदर, आपके और आपके फ्रेंड की आपस में लड़ाई हो गई, राइट? और हाँ आपने जी क्या किया, उनकी वॉच चोरी करके, उनकी बुक चोरी करके आप ले गए साथ में, क्लियर? आपको बाद में गिल्ट महसूस हुआ, नहीं कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्लियर? आप गए अपने फ्रेंड के पास, आपने सॉरी बोल दिया और उनकी बुक और वो वॉच वापस कर दी। ये कैसे हुआ? आपने खुद अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, बात करी, लेकिन मान लो कि आपके उस फ्रेंड ने उसकी कंप्लेंट कर दी टीचर को कि सर मैम मेरी वॉच चोरी हो गई, मेरा बुक चोरी हो गई, व्हाट्स एवर इट इज, जो भी आप समझना चाह रहे हैं। तो अब टीचर कहेंगे कि भाई हर एक बच्चे की तलाशी लो, और मान लीजिए वो बुक और वो वॉच आपके बैग में मिल गई। तो जब वो रेमेडी, दैट मीन्स वो वॉच, जब आपके टीचर ने आपसे लेके आपके फ्रेंड को वापस करी, तो लीगल रेमेडी है। दैट मीन्स जब कोर्ट किसी रेमेडी को देता है, किसी भी तरीके की रेमेडी हो सकती है, वो कोई फाइनेंशियल हो सकती है या पनिशमेंट की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसको बोल दिया जाता है लीगल रेमेडी। जब कोर्ट देता है, जब आपके टीचर देंगे, अदरवाइज एक नॉर्मल रेमेडी बोलेंगे हम उसे। ओके सर। एनीवन एल्स गाइस? सर 8th क्वेश्चन हाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज। यस सर। ओके ओके, जस्ट वन सेकेंड।
What does it say? The POXO Act 2012 confirmed the right of free legal aid. Okay, देखिए मैंने आपको बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरीके के स्पेशल राइट्स हैं और स्पेशल फंक्शनिंग आप कह सकते हैं. एक होती है फंडामेंटल राइट जो कि आपके अधिकार हैं, राइट, और ये हमारे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये फॉल करते हैं. इसी तरीके से डीपीएसपी, हम शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा, राइट, ये होती है आपके आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक. क्लियर. इनके अंदर बेसिकली 36 से 51 के बीच में ये बताया गया है कि केस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड राज्य की, गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हेल्थ, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराना, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना. तो इसी तरीके से राइट टू फ्री लीगल एड 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में फॉल करती है. क्लियर. तो इसीलिए इसका आंसर बी है, बिकॉज ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराए उन सभी पर्सन्स को जो कि किसी एडवोकेट को, किसी लॉयर को एंगेज, दैट मीन्स अपना केस लड़ने के लिए हायर नहीं कर सकते. क्लियर. यस सर. डन गाइस. ग्रेट. कल आपकी जीएसटी क्लास रहेगी गाइस, राइट, एट द सेम टाइम. बाकी लिंक्स नवनीत मैम या जो भी अथॉरिटीज आपको शेयर करते हैं, यू विल गेट इट अप अपने लिए. हेलो. हाँ यस जी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. जो आपने ये वाली चीज बताई थी कि जैसे मान लो हम लॉयर को मतलब कि नहीं हायर कर सकते है ना, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें जो अथॉरिटी हमारी हेल्प करती है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना. अथॉरिटी जस्ट सिंपली आपको एक लॉयर अपॉइंट कर देगी, आपके केस को फाइट करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपका केस, जो भी अगर एविडेंस आपके स्ट्रॉन्ग है आप जीतेंगे, अगर एविडेंस नहीं है देन अकॉर्डिंगली यू विल लूज द सेम, आप उस केस को नहीं जीत पाएंगे. सर आपने कुछ कहा था लाइक अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऐसे कुछ. देखिए आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में राइट टू लीगल एड, फ्री लीगल एड हमें दिया गया है जो कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है. अब मैं आपको एग्जैक्ट आर्टिकल नहीं पढ़ा सकता, बहुत बड़ा आर्टिकल है वो, सिर्फ इतना समझिए यस सर, हो कि गया क्लियर. हाँ 36 से 51 के बीच में गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो किसी भी पर्सन को लीगल एड, कानूनी सहायता प्रोवाइड कराए, अगर वो पर्सन अपने आप किसी लॉयर को एंगेज या अफोर्ड नहीं कर सकता. ओके सर, थैंक यू. दिलजीत. हेलो मनीष दिलजीत. सर मीटिंग दी रिकॉर्डिंग मुड़ के सेंड कीती नी. नो द रिकॉर्डिंग चल रही है, डोंट वरी, मीटिंग इज गोइंग ऑन. नहीं अपलोड नहीं हुई दिलजीत. हाँ ये अपलोड हो जाएंगी सर, ये कल वाली जो कल और हाँ यस परसों मैम, की यस वीडियो है और आज आई नो वाली, दैट मैम, वो हिमेंद्र जी ये का अपलोड अपडेट आ गया था, वो मैं एक करवा बार क्लास दीजिए एंड हो प्लीज. गया आपको सारा अपडेट कर दे. ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਐਸਓਈ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਟ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਬਟ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ.